भाई को होश ही नहीं है, दुनिया से होश ही नहीं है ऐसे लोग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आप सबका देव और आपका मेरे यूट्यूब चैनल देव मेरा ब्लॉग्स में स्वागत है। तो गाइस, अपन आज चल रहे हैं फिरोजपुर, तो चलेंगे अपन ट्रेन से, जो कि हमारी ट्रेन है 9:45, 9:30 बजे पतालकोट एक्सप्रेस। तो अपन उसमें अपना टिकट हुआ है, अपन चलते हैं उस पर। अभी जाने के लिए मेरा दोस्त आ रहा है, वो देखिए वो आ रहा है मेरा दोस्त, अपन उसी के साथ चलेंगे अभी। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, आप ब्लॉग में बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है इस जर्नी पे। सही कह रहा हूँ आपको, ये सीरीज में मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं, पहले अपन चलेंगे छिंदवाड़ा, उसके बाद चलेंगे आगे। अभी अपन पहुंच चुके हैं छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन। ये देखिए, ये मेरे पीछे में है छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन, आपको अच्छा से दिखाता हूँ। ये यहाँ पे पुराना इंजन खड़ा हुआ है, ये छिंदवाड़ा जंक्शन है। तो गाइस, अभी अपनी ट्रेन तो आ चुकी है, अपन उस पर चलते हैं, बैठते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ कि अपन कहाँ चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं ट्रेन में। तो गाइस, ये अपनी ट्रेन है पतालकोट एक्सप्रेस, जिससे कि अपन जा रहे हैं अभी फिरोजपुर। तो चलिए आगे की जर्नी में आपको भी साथ में लेके चलते हैं। और अंदर तो ज़्यादा कुछ है नहीं, भीड़ भाड़ है। इधर साइड में अपनी सीटें 5, 6, 7, 8 तक इधर साइड में। ट्रेनें ज़्यादा भरी नहीं है, आगे से भरेगी। और पावर भी उधर साइड से पे है, और ट्रेन का छूटने का भी टाइम है, डिपार्चर का टाइम, तो मैं पावर दिखा नहीं पाऊँगा आपको, बहुत दूर पे है पावर। कोई बात नहीं, मैं आगे कोशिश करूँगा दिखाने की, वीडियो पे बने रहिए। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे ये प्लान। तो गाइस, अपन पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन के फर्स्ट स्टॉप पे, जो कि है परासिया। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोल खदानें बहुत सारी है, और कोल खदान से WFL में बहुत सारा प्रॉफिट है भाई। ये गोल्डन सिटी परासिया के नाम से ही जानी जाती है, सिटी नहीं है इसका। अपन पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन के सेकंड स्टॉप पे, जो कि है जन्नार देव। यहाँ पे भी कोल की बहुत सारी खदानें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। अभी हमारे पुलिस वाले सर भी आ रहे हैं, इनसे डरने का नहीं, अगर डरेंगे तो पड़ेंगे डंडे, और नहीं डरेंगे तो इनको दे देंगे डंडे, कोई दिक्कत नहीं। और हमारी ट्रेन तो गंदी ज़्यादा हो गई है, चलने से पहले ही गंदी हो गई है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, धुलवा देंगे आगे चल के। गाइस, हमारी गाड़ी अभी पहुंच चुकी है आमला जंक्शन। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिला का बहुत अच्छा प्रमुख स्टेशन है। यहाँ से ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक नागपुर की ओर भी गई है, और एक दूसरी लाइन जो छिंदवाड़ा की ओर है जिससे हम आ रहे हैं, वह लाइन दोनों आके मिलती है, इस कारण इसका नाम ये जंक्शन भी है। तो गाइस, यहाँ पे बहुत शोर खराबा हो रहा है, इस कारण इधर साइड पे आके वीडियो बनाना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अपन तो वीडियो बनाएंगे फिर भी। यहाँ से थोड़ी भीड़ बढ़ जाएगी हमारी गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफर तो कट रहा है अच्छे से।
अपन को इंडियन रेलवे। हमारे दो भाई लोग, भाई कुछ लग तो नहीं रहा है, पानी आनी ओए देखो। और ये एक हमारा दोस्त सोया ऊपर, वो नहीं देख पाएंगे। ये एकदम रात भर की नींद में है, इस कारण ऐसे मायूस पड़े हुए। कोई दिक्कत नहीं, इनको अभी नींद के जगा देंगे हम। अभी अंदर जाएंगे तो खैतानी चालू हो जाएगी भाई। से खत्म होती है और स्टार्ट बहुत दूर से होती है। ये हमारी ट्रेन तो इतनी गंदी है कि जिसकी हद नहीं, बाहर खस्ता। और तुम्हें एक चीज दिखाई जाए, सफर में नशे करके ना सोए, वरना नशे करें ना, दारू ना पिए। नहीं तो ये देखिए सामने, देखिए क्या हाल है एकदम। भाई टल्ली पड़े हुए है, भाई भाई को होश ही नहीं है, दुनिया से होश ही नहीं है। ऐसे लोग भी आते हैं भाई ट्रेन में, हे भगवान। ये कैसे आवाज देते, गेला 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 बोल रहे हैं या केला 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 बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी एक और बार सुनिएगा, गेला 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 मतलब भाई। हमारा दूसरा काम था एक फ्लावर का, तो उसके कारण मेरी रात भर की नींद पूरी नहीं हुई, फिर भी उठ के ब्लॉग बना रहा हूँ। अब से कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब भाई, और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे हैंडल पे हेड हैंडल पे आ रही होगी। गाइस अभी आप पहुँच चुके हैं इटारसी, जो कि नागपुर डिवीजन के में आता है, और इसका स्टेशन कोड है IT। यहाँ पे एक मैन मुंबई लाइन भी आती है, और जो अभी हम आ रहे हैं नागपुर वाली लाइन, वो लाइन भी जाती है। भाई भीड़ तो है, अभी अपन एक भैया का कोच ढूंढ रहे हैं, हमारे बड़े भैया का कोच इधर ही साइड में है, उनसे मिलते हैं फिर वापस चलते हैं अपने ही कोच में। और नींद लग गई थी तो मैं तो स्टेशन में दिखा नहीं पाया, अभी नींद खुली है, मेरे जगाया मुझे। और अपना सफर तो अभी बहुत कम है भाई, अभी तो 1100 किलोमीटर है। भोपाल स्टेशन में बहुत ज्यादा भीड़ है, और इसका स्टेशन कोड है BPL। भाई चलो मैं आपको बाद में मिलता हूँ, मुझे नींद आ रही है बहुत। अब हमारी ट्रेन का भोपाल के भी डिपार्चर हो चुका है, सामने खड़ी है डॉक्टर अंबेडकर नगर भोपाल दमोह एक्सप्रेस, जो कि पूरी लोकल ट्रेन है, छिंदवाड़ा से आने वालों के लिए और इंदौर जाने वालों के लिए बहुत अच्छी ट्रेन है। यहाँ से सीधा छिंदवाड़ा से यहाँ तक के रिजर्वेशन अपना टिकट बुक करो, और उसके बाद ये वाली ट्रेन में टिकट बुक करके आप सीधे इंदौर निकल सकते हो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए। भोपाल स्टेशन हमारी ट्रेन क्रॉस कर चुकी है, जो कि अच्छी खासी रफ्तार में। गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं बीना, और यहाँ पे ठंड भाई बहुत ज़्यादा है, लिटरली हमारे कभी भाई लोग को तो लगने लगी बहुत ज़्यादा ठंड, इस कारण बिस्तर लगाने लगे हैं, तो थोड़ा बहुत आराम करेंगे। और हमारा सफ़र तो बहुत लंबा है भाई, कल सुबह 11 बजे पहुँचेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं सभी भाई लोग। और गार्ड साहब ने भी सीटी बजा दी है, तो चलो चलते हैं। बीना से भी हमारा डिपार्चर हो चुका है, कितने बज चुके हैं भाई, 6:30 बजे डिपार्चर हुआ है हमारा बीना से। कोई दिक्कत नहीं भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है। का अराइवल हो चुका है झांसी में,
और यहाँ पे तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसका मतलब कि ट्रेन भरने वाली है बहुत ज़्यादा ही। कोई दिक्कत नहीं, देखो पब्लिक भी दौड़ रही है भाई, हाथ में तो चढ़ भी रहे भाई, चल भी ट्रेन को नहीं चढ़ना चाहिए भाई, ये गलत बात है, चलती ट्रेन पे नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत गलत बात है। हम लोग अभी झांसी में और 8:44 हो रहा है। चलो ये भी सही है, हमारी गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है झांसी से, बहुत अच्छी बात है। अब दिखाए लाइट भाई, भाई इन लोग को ठंड ठंडी लग रही है क्या, ऐसे खड़े हुए हैं सब लोग कि जिसकी हद नहीं। गाइस डिपार्चर तो हो चुका है हमारी ट्रेन का झांसी से, जो कि 10 लेट चल रही है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए भाई, तो गाइस अपन भटिंडा पहुंचने वाले हैं और इधर पे धुंध बहुत ज्यादा है भाई, अभी तो थोड़ी कम हो गई, मेरी अभी अभी नींद खुली है, अगर मेरी पहले भी नींद खुली थी एक बार जब देख रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा धुंध थी इधर पे, देख सकते हो ठंड बहुत ज़्यादा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अभी हम भटिंडा पहुँच चुके हैं और भाई ठंड बहुत ज़्यादा है, सही बताऊँ तो अभी थोड़ी बहुत धूप निकली है तो मैं अभी ट्रेन से बाहर निकला, नहीं तो मैं तो कंबल ओढ़ के ट्रेन में था, कहाँ जाएंगे भाई ठंड में। और इसके बाद से हमारा फिरोजपुर के बाद से जो भी करना है वो पूरा स्लीपर ट्रेन है, जो हमारी प्राइवेट ट्रेन IRCTC की जो चलती है उस पर हमारा सफ़र है। तो चलिए, मज़ा तो आ गई और मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया उसके लिए सॉरी। चलिए मैं आपको मिलता हूँ फिरोजपुर में, तब के लिए बाय। तो गाइस अब हम आ चुके हैं हमारी ट्रेन के लास्ट स्टॉप पे, जो कि है फिरोजपुर कैंट। हमारी ट्रेन यहीं तक के आती है और हमारा सफर भी यहीं तक के था और प्लेटफॉर्म भी इधर ही साइड आ रहा है। तो गाइस इसके बाद हमारी ट्रेन जो दूसरी हमारी जो ट्रेन है प्राइवेट ट्रेन IRCTC की जो भारत दर्शन है, अब हम उसमें जाएंगे, उसकी पूरी सीरीज देखिएगा आप, बहुत मज़ा आया होगा। इसी वीडियो को यहीं करता हूँ एंड, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना जिससे कि मेरे नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाय।